स्टार्ट। नमस्कार, आज हम क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न नंबर 22 हम का ध्यान ये करेंगे, उसमें है मिनरल सॉल्ट्स। तो मिनरल जो सॉल्ट्स हैं वो क्या है, हम खाली नमक के बारे में जानते हैं कि सॉल्ट मतलब नमक, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे मिनरल सॉल्ट्स मतलब खनिज लवण, तो वो क्या क्या है एक एक करके हम इसका ये अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 पेपर फर्स्ट बी का पार्ट है, ठीक है। आए अब ये कहता है कि भोजन के खनिज लवणों का वर्णन कीजिए, उनका सेवन करने से क्या लाभ होता है और सेवन ना करने से क्या हानि होती है, समझाइए। डिस्क्राइब द मिनरल सॉल्ट्स ऑफ फूड, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग देम एंड व्हाट हार्म डज इट कॉज, एक्सप्लेन। खनिज लवण, खनिज मतलब मिनरल्स, लवण मतलब सॉल्ट्स। अब ये कहता है कि प्रोटीन की भांति खनिज लवणों से भी शरीर का विकास होता है, ये तत्व भी शरीर के लिए विशेष महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं, ये हड्डियां और रक्त को लाभ पहुंचाते हैं। शरीर का भार 1.5 से लेकर 2% खनिज लवण से बनता है। शरीर में लगभग 20 प्रकार के खनिज तत्व हैं, जिनसे अनेक प्रकार के खनिज लवण बनते हैं। साधारणतः मुख्य लवण ये हैं, ये कैल्शियम है, ये फास्फोरस है, ये लोहा है, ये आयोडीन है, सोडियम है, सोडियम बक्लोराइड है, सामान्य नमक के रूप में मैग्नीशियम, तांबा और गंधक। इसमें से मुख्य लवणों का वर्णन निम्न है, जैसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम हमारे शरीर में जाके क्या करता है, क्यों मतलब है, ये देखिए, ये कहते हैं 99% कैल्शियम शरीर की हड्डियों में पाया जाता है, 10 मिलीलीटर ग्राम कैल्शियम 100 मिलीलीटर ग्राम रक्त में पाया जाता है, यह रक्त को जमाने में सहायता देता है, स्नायुओं को स्वस्थ रखता है, बहुत से एंजाइमों का एक मुख्य अंग है, वह मांसपेशियों की क्रियाशीलता बनाए रखता है। अब इसमें यह है, हड्डियों एवं दांतों को पूर्ण स्वस्थ एवं शक्तिशाली ये बनाने रखने के लिए यह आवश्यक है। फिर हृदय की गति को नियमित करता है, छठा पॉइंट है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता बनाए रखता है। अब कहता है कैल्शियम की कमी से हानियां क्या क्या होती हैं, अब कैल्शियम की कमी से हानियों का ये वर्णन है। ये कहते हैं कि कैल्शियम इसके अभाव से हड्डियां कमजोर व विकृत हो जाती हैं, बच्चों में रिकेट अर्थात सूखा रोग तथा स्त्रियों में मृद्वयस्क रोग हो जाते हैं, प्रौढ़ों में कैल्शियम के अभाव से हुए रोग का, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, दमा तथा चर्म रोग भी इसी की कमी के कारण होते हैं। इसके अभाव में शरीर का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता तथा शक्तिहीनता उत्पन्न हो जाती है, वृद्धों में अस्थियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, दांत बेड़ों को कमजोर हो जाते हैं, रक्त जमने में अधिक समय लगता है, त्वचा सूखी चिकदार खुरदरी हो जाती है। कैल्शियम की ये तो थी हानियां, अब अगर कैल्शियम की अधिकता से हानियां, ठीक है, कैल्शियम की अधिकता से बच्चे विशेष रूप से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी भूख कम हो जाती है, उल्टी आने लगती है, रक्त में यूरिया व कोलेस्ट्रॉल भी की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर कम है तो भी ये नुकसानदायक है, अगर ज़्यादा है तब भी ये नुकसानदायक है, तो बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस, कैल्शियम को बॉडी में बैलेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कहते हैं दैनिक आवश्यकता में बच्चों को 9 वर्ष तक लगभग 500 से 550 मिलीग्राम, 10 वर्ष से 15 वर्ष तक 550 से 700 मिलीग्राम तथा किशोरों को 600 से 700 मिलीग्राम, एक सामान्य स्त्री को 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, गर्भवती तथा धात्री माताओं को इसकी दैनिक आवश्यकता 1 से 115 ग्राम तक रहती
है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम की कमी हमें ये उपयोग में लानी चाहिए। अब ये कहता है साधन क्या है, हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम हमें दूध से, पनीर में, दही में, खोया में, सूखा सूखी मेवा, अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा से मिलता है तथा मेथी, मूली के पत्ते, गाजर की पत्ती तथा बंद गोभी, फूल गोभी, पान के चूने तथा पीने के पानी में पाया जाता है। अब कहते हैं कि दूसरा जो है मिनरल्स वाटर वो है फॉस्फरस। अब फॉस्फरस क्या है? कहते हैं कैल्शियम की भांति इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है, रक्त में अम्ल तथा क्षार का संतुलन बनाए रखना, दया की गई शारीरिक शक्ति को पूर्ण करने में सहयोग देता है, अस्थियों दांतों तथा स्नायु संस्थान को पूर्ण स्वास्थ्य रखने के लिए आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट है ये मस्तिष्क को मजबूत बनाता है, शरीर के समुचित विकास के लिए इसका उपयोग आवश्यक है, शरीर में विद्यमान खनिज लवण का एक चौथाई भाग फॉस्फोरस ही होता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम एक दूसरे के पूरक हैं। संपूर्ण शरीर फॉस्फोरस का लगभग 80% भाग शरीर की अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में व 20% भाग कोमल अंगों में पाया जाता है। इसका साधन क्या है, हमें फॉस्फोरस कहाँ से ये प्राप्त होगा, हम इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? पनीर, अंडा, मछली, गोश्त, सोयाबीन, आलू, कच्ची मक्का, बादाम व मेवा, करम कल्ला, पालक और दूध आदि में प्राप्त मात्रा में ये उपलब्ध होता है। सोयाबीन, काबुली चने में भी ये प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। तो जो शाकाहारी हैं वो शाकाहारी अपना ये पूर्ति वो कर सकते हैं, जो मांसाहारी हैं वो अंडा, मछली और गोश्त से अपनी पूर्ति वो कर सकते हैं। अब इसमें दैनिक आवश्यकता कितनी है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन इसकी 500 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, गर्भवती स्त्रियों तथा बढ़ते हुए बालकों को लगभग 1 ग्राम फॉस्फोरस दैनिक आवश्यकता होती है। तो ये जो है हमें ठीक है 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम हमें फॉस्फोरस रोज चाहिए। अब दूसरा है आयरन, लोहा जिसे हम कहते हैं, एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 3 से 4 ग्राम लोहा लवण होता है जिसका 75% रक्त में पाया जाता है। ये रक्त में दाल कोशिकाओं का निर्माण करता है, ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है तथा रक्त के वर्णक तथा होमोग्लोबिन का एक मुख्य अंग है। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक लोहे की आवश्यकता होती है, इसकी कमी के कारण रक्तहीनता एनीमिया का रोग हो जाता है और चर्म का रंग पीला और भूरा पड़ जाता है। इसका मतलब खून की कमी होती है, फिर हम ये कहते हैं तो खून की कमी के लिए हमें आयरन की आवश्यकता होती है। अब ये कह रहा है कि ऐसी दशा में व्यक्ति काफी उदासी और थकावट अनुभव करता है तथा उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और श्वास क्रिया धीमी हो जाती है। लोहे की कमी विशेष रूप से बाल अवस्था में और किशोर अवस्था में लड़कियों तथा गर्भवती स्त्रियों व दुग्धपान कराने वाली माताओं को ही को हो जाती है। 50 से 55 वर्ष की आयु में जब स्त्रियों को मासिक द्रव बंद हो जाता है, स्त्री पुरुष में इसकी आवश्यकता सामान्य हो जाती है। इसका मतलब यह है कि 50 की उम्र तक हमें जो है आयरन लेना चाहिए और आयरन की अगर नहीं आपको ये प्राप्त होता है तो आयरन की गोलियां भी मिलती हैं, डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां देते हैं, कैप्सूल देते हैं, तो उससे भी आप पूर्ति कर सकते हैं। अब ये साधन जो है लोहा कैसे प्राप्त होगा आपको, ये लोहा जो मुख्यतः जिगर, कलेजी, मांस, मछली, अंडे को जर्दी, मुर्गी के बच्चे, ये तो जो मांसाहारी हैं ये वो खा सकते हैं, जो शाकाहारी हैं वो गुड़, गाजर, पालक, खीरे, अनाज, दालें,
सेब मेवे प्याज हरी सब्जियां शकरकंद जैतून के तेल सूखे मेवे आदि से प्राप्त होते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे जैतून का तेल आया तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो उससे बहुत हानियाँ होती हैं, जितनी बीमारियां हैं वो आपके रिफाइंड ऑयल से होती हैं। अगर आप जैतून का तेल खाना शुरू कर दें तो आपकी 80% जो बीमारियां वो खत्म हो जाएंगी। दैनिक आवश्यकता है, अभी देखिए जन्म से लेकर 1 से 20 वर्ष तक, जब शिशु जन्म लेता है तब से लेकर 20 वर्ष तक हमें 15 से 20 मिलीग्राम की रोजाना आयरन लोहा लेना पड़ेगा। बालक बालिकाओं को 30 मिलीग्राम लेना पड़ेगा। प्रौढ़ पुरुष जो स्त्रियाँ हैं उनको 20 मिलीग्राम लेना पड़ेगा। जो गर्भवती बच्ची हैं उनको 40 मिलीग्राम चाहिए। और जो दुग्धपान कराने वाली माताएं विशेष स्थिति में इनकी बहुत अधिक कमी होने पर भोजन के द्वारा ये कमी पूरी नहीं हो पाती है, अतः इसकी पूर्ति के लिए विशेष लोहा टैबलेट टॉनिक या इंजेक्शन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनको 30 मिलीग्राम हरोज चाहिए, तो जब इनकी पूर्ति नहीं होती तो डॉक्टर यह है तो डॉक्टर फिर आपको ये टैबलेट देते हैं, टॉनिक देते हैं या आपको इंजेक्शन देते हैं। अब अगला जो मिनरल है वह है आयोडीन। अब आयोडीन कहाँ काम आता है हमारे शरीर में और इसके क्या क्या साधन हैं वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि आयोडीन थायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्लैंड्स के समुद्र शरीर एवं मानसिक कार्य संवाद के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, थायराइड ग्लैंड हमारे मोटे जाते हैं तथा कंठमाला गठरी रोग की संभावना बढ़ती रहती है। आयोडीन शरीर में कैल्शियम और वसा का उचित उपयोग करने में सहायक होता है। ये त्वचा बाल और नाखून को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। अब हम लोग कहते हैं हमारी त्वचा सूखी हुई है, बाल हमारे झड़ने लगते हैं, तो इनका जो और नाखून हमारे जो है वो सूखने लगते हैं, ठीक है, ये बढ़ते नहीं है, तो इन सब का जो कारण है वो आयोडीन ही है। अब साधन है कि हम आयोडीन कहाँ से प्राप्त करें। अब ये कहते हैं ये साधारण ताजे भोजन तथा कुछ विशेष प्रकार की सब्जियां जैसे प्याज आदि में ये अधिक मिलता है। समुद्री मछली, समुद्री पानी, मछली के जिगर तथा तेल में यह प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अब हम दैनिक आवश्यकता हमारे शरीर को कितनी चाहिए, ये प्रतिदिन 0.14 मिलीग्राम पुरुषों को तथा 0.10 मिलीग्राम स्त्रियों को आयोडीन मिलना चाहिए। समुद्र तटीय वनवासियों को इसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके भोजन में आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, क्योंकि वो मांस वो जो मछली हैं ताजी मछली वो खाते हैं, तो इसलिए उनको उनके शरीर में ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। शरीर के लिए अन्य आवश्यकता लवण, सामान्य लवण पोटेशियम मैग्नीशियम गंधक तथा सोडियम कार्बोनेट है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं वो और भी हमारे क्या क्या चाहिए। देखिए सामान्य लवण जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, अब सोडियम क्लोराइड हमें किस लिए चाहिए और कहाँ से प्राप्त होगा। हम भोजन के साथ जो नमक प्रयोग करते हैं वो सामान्य लवण कहलाता है, सोडियम क्लोराइड जो नमक सफेद नमक हम लोग कहते हैं। शरीर में के सभी तरल द्रव्यों में सोडियम पाया जाता है, इसके उपयोग से भोजन स्वादिष्ट बनता है, कब्ज दूर होती है, ये शरीर के समस्त अंगों को क्रियाशील रखने में सहायता देता है तथा रक्त का उचित संचालन बनाए रखता है। इसकी कमी से बदहजमी कब्ज दस्त आदि रोग हो जाते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है तथा अमल क्षार की मात्रा असंतुलित हो जाती है। सोडियम पेशाब पसीने द्वारा बाहर निकल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है, सोडियम पेशाब पसीने द्वारा बाहर निकल जाता है। हम लोग जो हैं शरीर का पसीना नहीं निकलने देते, हम लोग कूलर के आगे एसी में ज़्यादा रहते हैं तो उससे क्या कि हमारे शरीर का पसीना बाहर नहीं आता, तो जो है सोडियम तो पेशाब के द्वारा निकल जाता है, लेकिन पसीना जो हमारे शरीर का है
वो नहीं निकल पाता, वो जम जाता है और उसे अन्य बीमारियां लग जाती हैं। अब साधन क्या है कि हम सोडियम क्लोराइड किससे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, फूल गोभी में है, दूध में है, जानवरों के गोश्त में है, शलजम में है, किशमिश में है, प्याज में है, आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब दैनिक आवश्यकता कितनी है? देखिए, इसकी थोड़ी मात्रा लाभदायक होती है, इसकी दैनिक आवश्यकता निम्न प्रकार है। सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति 10 से 15 ग्राम, शारीरिक श्रम करने वाले ये व्यक्ति 10 से 20 ग्राम, युवा व्यक्ति 10 से 25 ग्राम, बालक जो है 10 ग्राम के सोडियम क्लोराइड ही चाहिए। यदि हम नमक ज़्यादा खाते हैं, इसकी मात्रा से हम ज़्यादा लेते हैं, तो हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती, क्योंकि ये रक्त को जो है वो उत्तेजित करता है, शरीर में रक्त जो है तेजी से शरीर में दौड़ने लगता है, हमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। जब सामान्य लवण आवश्यक से अधिक मात्रा में खाया जाता है तो कभी कभी इसका रक्तचाप बढ़ जाता है, बीपी जो है ये बढ़ जाता है। प्रतिदिन सोडियम को शरीर से मुक्त करने में गुर्दे को अधिक कार्य करना पड़ता है, इसके फलस्वरूप हृदय का कार्य भार बढ़ जाता है तथा हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में नमक खाएंगे तो हमें बीपी की शिकायत और हृदय हार्ट अटैक की शिकायत होगी, इसलिए जो है हमें सेंधा नमक ज़्यादा खाना चाहिए, ना कि सफ़ेद वाला। अभी कहता है पोटेशियम, और पोटेशियम में देखिए क्या है, पोटेशियम कोशिकाओं तथा रक्त में पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य शरीर के तंतुओं का निर्माण करना है, ये हड्डियों को मजबूत करता है तथा घाव के दर्द का दूर करता है, मांसपेशियों के संकुचन, हृदय की धड़कन, स्नायुओं की सेवदा शक्ति का नियमित करता है, इसकी कमी से कब्ज, चिड़चिड़ापन, उदासीनता, इच्छे प्रकट होने लगते हैं। यदि हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी है तो ये जो है हमें आता कब्ज हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, ये उदासीनता होती है। अब ये साधन क्या है, हम ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, समस्त वनस्पतियों भोजन पदार्थ इस तत्व के प्राप्त रूप से युक्त होते हैं, पशुओं से प्राप्त भोजन पदार्थ भी इसमें युक्त होते हैं, अतः इसकी प्राप्ति के अनेक साधन होने के कारण ये शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। इसकी कमी से मन में घबराहट रहती है, नींद कम आती है और कब्ज रहता है। इसकी दैनिक मात्रा अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है कि हमें पोटेशियम कितना लेना चाहिए। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, आगे है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऊपर मैग्नीशियम, बस अब मैग्नीशियम हमें क्यों चाहिए? अभी कहते हैं कि ये हड्डी, दांत, कोशिकाओं व रक्त में पाया जाता है, ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर में इसकी मात्रा 21 ग्राम है, जिससे लगभग 11 ग्राम हड्डियों में पाया जाता है। ये शरीर में कुछ एंजाइमों को सक्रिय करता है, जिसमें कार्बोज की पाचन क्रिया भली भांति होती है, यह कैल्शियम फास्फोरस को क्रियाशील बनाता है, इसके अभाव में स्नायु संबंधी रोग, नर्वस इरिटेबिलिटी तथा एटन कॉन्वुलेशंस के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, मांसपेशियां कांपने लगती हैं तथा अन्य स्नायु संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अभी हमें साधन कहाँ से हो, इसमें अगर मैग्नीशियम के शरीर में कमी है तो हम इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य के आहार में प्राय इस तत्व की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये प्रत्येक प्रकार के भोजन पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके मुख्य साधन है सब्जियां हैं, फल आदि हैं। दैनिक आवश्यकता लगभग 10 मिलीग्राम निर्धारित की गई है। अब आगे है सल्फर, गंधक। अभी कहते हैं गंधक प्रोटीन का एक ही अंश है, यदि भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त है तो गंधक की आवश्यकता से ही पूरी हो जाती है। ये लवण प्रोटीन के पाचन के लिए तथा बालों एवं नाखूनों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर में ऑक्सीकरण
ऑक्सीडेशन क्रिया में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब है तांबा कॉपर, अब है तांबा कॉपर, ये शरीर के लिए उपयोगी होता है, ये रक्त की हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक देता है, विटामिन सी वसा के लिए उपयोगी है। तो ये जो पदार्थ है ये विटामिन सी में पाया जाता है। अब ये साधन कैसे हैं, हम इसको कहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं, मांस है, अंडा है, अंडे हैं, मछली है, दूध है, दालें हैं तथा अनाजों में 1% से यदि गंधक की मात्रा विद्यमान रहती है। दूध और अंडे के प्रोटीन जो प्रमुख रूप से शरीर की वृद्धि से संबंधित होते हैं, सबसे यदि मात्रा में गंधक भी। अब आगे आ रहे हैं, मूली खाते हैं हम, पालक है तथा दालों में भी यह मिलता है, कॉपर जो है इनमें मिलता है। तो मूली हम लोग हर प्रकार से खाते हैं, सलाद में खाते हैं, इसका ये पराठे भी खाते हैं, कच्ची भी खाते हैं, ठीक है ना, पालक का भी ऐसे हम सब्जी भी खाते हैं, ये पराठे भी खाते हैं, दालों में तो है। अब लास्ट है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम वो कार्बोनेट है जो आपके मिनरल सॉल्ट है, लवण है। अब इसको क्या, ये रक्त को शुद्ध करने, शरीर में अपमल और क्षार की मात्रा को नियंत्रित करने, शारीरिक विकारों को पसीने के साथ निकासित करने तथा पाचक रसों को कैटलाइज करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी लवण है। इसकी शरीर में कमी हो जाने से थकावट का अनुभव होता है, कभी कभी शरीर में थकावट महसूस करते हैं, थक जाते हैं ना चाहते हुए भी, लेकिन वो फिर यही है कि हमारे शरीर में सोडियम कार्बोनेट की कमी है। अभी हमें साधन कहाँ से मिलते हैं, दूध में, मेवों में, सेब में, केला, अमरूद आदि से ये कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। इसकी आवश्यकता मात्रा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मात्रा में नमक का उपयोग आवश्यक होता है। यदि आपको थकावट है तो इनका सेवन कीजिए, दूध, मेवे, सेब, केला, अमरूद खाइए, और जब अमरूद और केला आप खाएंगे तो इसके ऊपर आप हल्का सा सीधा नमक लगा के खा सकते हैं, एक तो स्वादिष्ट भी होगा और आपके शरीर के लिए लाभदायक भी होगा। इसके साथ हम प्रश्न नंबर 22 की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।